सो अब देखो हमने ये वाला मॉडल बना तो लिया है, बट मैं चाहता हूँ इसकी थोड़ी लेंथ बढ़ाई जाए, तो लेट मी जस्ट इंक्रीज इट्स लेंथ। ठीक है, तो इसको मैं 18 मीटर्स कर देता हूँ, और यहाँ पे 18 विड्थ में आई विल पुट एस 10 एज प्रीवियस ओनली, ताकि वो यहाँ ज्यादा चेंजेस ना करने पड़े। हालांकि ये इमेटेरियल है, जो आपका एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा वैसे आपको वैसे ही करना है, और विड्थ और लेंथ तो आपके पास हमेशा होगी ही। ये 1.5 था। तो आप देखो 2 सेकंड में ग्रिल इज रेडी, इसको ट्रांसफर करते हैं। एंड 12 मीटर्स, सॉरी 18 मीटर्स एंड 10 मीटर्स। ओके, तो दिस इज बेसिक स्केलेटन जिसपे अब हम कर्व इम्पोज करेंगे। ये जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ ये तब है वैलिड जब आपके पास ऑफसेट्स अवेलेबल है, और नॉर्मली वो हमेशा होते ही है। मैंने आपको बताया था कि कैसे हम कर्व स्ट्रक्चर का ऑटोकैड ड्राइंग जनरेट करते हैं। हाईवे की अलाइन, पहले हाईवे वाले अपना काम करते हैं, उनकी प्लान एंड प्रोफाइल तैयार होती है टेम्पररीली, चाहे या ड्राफ्ट प्लान एंड प्रोफाइल तैयार होती है। उसके बाद हमारे स्ट्रक्चर्स के ड्राफ्ट पर्सन उस पूरे प्लान में से जहां हमें ब्रिज लोकेट करना है, जहां पे भी कर्व आ रहा है, उसको उठाते हैं, उसको फिर वो मॉडिफाई करते हैं एज पर ऑफसेट्स। अब यहाँ पे ऑफसेट्स एक्चुअल में देने क्या है वो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ यू रिमेम्बर हमने किसी एक लेक्चर में हाईवे वाला कोड हाँ, पढ़ा एट था, और सेवेंटी हाँ उसमें अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि थ्री पॉइंट 9 और 0.6। यहाँ पे आपको कोई 73 दिख रहा है, ये रहा। तो इस कोड में लेट्स से अब हमारा ये जो रेडियस है, हम अज्यूम करते हैं एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को कि 100 मीटर्स है, तो 100 मीटर्स के हिसाब से हमारे पास क्या विड्थ होनी चाहिए, मतलब हमें एक्स्ट्रा वाइडनिंग करनी है। सो 0.9 मीटर्स आ रही है अगर मैं 100 मीटर्स का कर्व रखता हूं। ओके, इसका मतलब जहां पे कर्व स्टार्ट होगा या जहां पे एक्चुअल पूरा रेडियस ये होगा, तो वहां मुझे 0.9 अपने टोटल 10 मीटर्स को 10.9 और फिर करस्पॉन्डिंगली उसको ऐड करते जाना है। तो ये वाली एक्सरसाइज जो है एक्चुअल में आपका हाईवे वाला ही अपनी पूरी जो आउटर एज होती है कैरिज वे की उस पर कर देता है, बट क्योंकि हमारे पास ऐसा डेटा अभी नहीं है कुछ, तो हम 0.9 से स्टार्ट करेंगे स्टार्ट में। एंड वी विल अज्यूम कि हमारा कर्व कुछ ऐसा जाएगा, यहां से कुछ ऐसा जाएगा, मतलब 100, एंड दिस रेडियस, ये वाला जो रेडियस है ये 100 मीटर्स है, हमने अभी ये अज्यूम किया हुआ है। बट उससे पहले वो सारी चीजें ऑफसेट देके आराम से हो जाएंगी। ग्रिलेज बनाने के बाद हमें कुछ बेसिक चीजें करनी होती हैं या करनी चाहिए, जिससे आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओ कि जब मेरे एनालिसिस के रिजल्ट्स आएंगे हम बात किसकी कर रहे हैं। तो आप लोगों में से पहले ग्रुप्स किसी ने बनाए हैं स्टैट में? ग्रुप्स मतलब सर ग्रुप ग्रुप्स का आज बहुत, अभी आप देखोगे ग्रुप्स का बहुत बड़ा एडवांटेज होता है, इट इजिज योर प्रॉपर्टी असाइनिंग टास्क, इट इजिज योर मॉडलिंग असाइनिंग टास्क, इट ऑल्सो इजिज द वे यू फिगर आउट विच मेंबर माई एनालिसिस रिजल्ट आर टॉकिंग अबाउट। सो अभी जैसे हमने डिसाइड किया कि 3 मीटर्स 2 मीटर्स के बाद फर्स्ट गडर आएगा, राइट? तो मैं इस वाले को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये पूरा एक गडर ही तो है, सिंगल गडर। सो सी, ये जो मैंने रेड लाइट हाईलाइट की है, ये ही हमारी गडर की लोकेशन है 3 मीटर स्पेसिंग पे, और ओवरहैंग जो है दैट इज 2 मीटर्स। वो तो 2 मीटर्स अभी चेंज होगा क्योंकि हमारा कर्व आएगा, है ना? तो ये तो हमारा चेंज होगा, बट गर्डर्स तो फिक्स्ड हैं। तो इनको सबको हाईलाइट करके हम एक ग्रुप बनाते हैं, या मैं सिर्फ इसी का आपको व्यू दिखाता हूँ, ये आपके गर्डर्स हैं। तो हाँ, ये तो आपने कराया है मेरे को। बट इसमें अब जो प्ले है वो ये है कि मैंने आपको बताया था
ये जैसे 1 1 मीटर्स है एंड ये 2 मीटर्स है, हम्म, तो मुझे ये चीज बहुत ध्यान रखनी है। अच्छा, अगर आप शिफ्ट के दबाते हो तो यू गेट ऑल योर नोड्स जो भी आपके स्ट्रक्चर पे हैं शिफ्ट के से, शिफ्ट एन दबाते हो तो नोड नंबर आ जाते हैं, वो मुझे नहीं चाहिए, मुझे शिफ्ट के से ये भी काम करना है। तो फर्स्ट टू वालों को तो हमें पता है एंड वाली प्रॉपर्टीज देनी है गर्डर्स की, सपोर्ट की, है ना, और इसके बाद टेपर्ड जोन जो भी होगा उस हिसाब से मुझे वहां प्रॉपर्टी देनी है। तो ये वाले जो नोड्स हैं इसके साथ मैं खेल सकता हूँ बाद में, बट वो मैं एक लेटर स्टेज पे करूंगा। व्हाट आई वांटेड टू शो यू इज व्हाई एंड हाउ टू मेक ग्रुप्स। तो पहले मैंने ये सारे गर्डर सिलेक्ट कर लिए 3 के 3। अब ये आउटर गर्डर है तो इसको मैं सिलेक्ट करके कंट्रोल जी करता हूँ तो ग्रुप का नाम आ जाता है, वो मुझे डिफाइन करना है। लेट्स से दिस इज G1 गर्डर 1, या आप आउटर गर्डर भी लिख सकते हो। और क्योंकि ये बीम है तो इसको बीम जैसे ही मैं करता हूँ, ओके करता हूँ, तो ये पूछता है एसोसिएट टू सिलेक्टेड ज्योमेट्री, यस, एंड यू विल सी कि आपका एक ग्रुप यहाँ पे बन चुका है। इसका एडवांटेज प्रॉपर्टीज असाइन करने में होंगे, प्रॉपर्टीज इनफैक्ट रिजल्ट्स एक्सट्रैक्शन में होंगे, आपको जब रिजल्ट सॉर्ट करने होंगे सिर्फ इसी चीज का बीएमडी देखना होगा, उसमें हेल्प मिलेगी। तो नॉर्मली ये चीजें बहुत मुश्किल से फिगर आउट करनी पड़ती है खुद ही कि किस चीज का हमें क्या चाहिए, और अगर ग्रुप्स बने होंगे आप देखना आपका एनालिसिस बहुत स्मूथली चलेगा। तो दिस इज ग्रुप 1। अब हमें सेकंड गर्डर का देना है, तो सिमिलरली सेम क्रिएट करेंगे, इसको G2 नाम दे देते हैं एंड लेट्स कीप इट एज दिस इज अनअसाइंड एज यू कैन सी। तो अभी ये सिलेक्टेड ज्योमेट्री को असाइन करते हैं, तो यहाँ पे ये भी आपके पास असाइन हो गया है। अब थर्ड ग्रुप है आपके पास G3, या आप इसको G1 भी कह सकते हो, बट क्योंकि ये कर्व स्पैन है, यहाँ पे असिमेट्रिकल डेक है ऊपर, तो इट वुड बी बेटर कि आप इसको G3 ही कहो। अगर ये एक स्ट्रेट स्पैन होता, सिमेट्रिकल होता, तो मैं आउटर गर्डर्स को नॉर्मली एक ही नाम देता हूँ और एक ही बार उसको ग्रुप कर देता हूँ। बट अगेन अगर आप सेपरेट करते हो तो दैट इज नॉट अ बैड थिंग, आप उससे रिजल्ट्स वैसे भी निकाल सकते हो। तो G3 इज प्रेफर्ड इन दिस वे क्योंकि यहाँ पे अभी कर्व सेक्शन है। तो ये सारे हो गए गर्डर्स, मेन गर्डर्स। ओके, अब अगर आप इसको पूरे व्यू में देखोगे, यहाँ सिलेक्ट से जाके सिलेक्ट बाय ग्रुप नेम ये ऑप्शन होता है, इफ यू विल सिलेक्ट दिस तो आपका बस यही सिलेक्ट होगा। Okay. इससे आप जब लोडिंग्स लगाओगे ना गर्डर्स पे तो भी आपको बहुत ईज होगी कि आपको ये सिलेक्ट कर दी, इसी पे लोड लगेगा, सेल्फ वेट हो गया या वेयरिंग बोर्ड हो गया या फिर आपके पास डेक का सुपर वेट हो गया, तो ऑल दोस थिंग्स ये बहुत हेल्पफुल रहता है। और सिमिलरली अगर आप G2 को क्लिक करोगे तो G2 हो जाएगा, अगर आप इन सबको क्लिक करोगे तो ये तीनों हाईलाइट हो जाएगी। तो दिस वॉज आर फर्स्ट थिंग, ग्रुप्स आर ऑलवेज प्रेफर्ड और बहुत अच्छे से बनाने चाहिए, मतलब हमेशा ही बनाने चाहिए, नॉट ओनली इन दिस। ये तो काफी सिंपल सा स्ट्रक्चर है, कभी कभी बहुत कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री होती है, तो आपको हो सकता है कि जैसे लेट मी टेल यू दैट, हो सकता है इस पोर्शन पे ही कुछ प्रीडोमिनेंट लोडिंग आ रही हो, तो आप अगर सिर्फ इसी पोर्शन का ग्रुप बनाओगे तो वो लोड असाइन करने में आपको बार बार टिक नहीं करना पड़ेगा या सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, आपने एक बार ग्रुप बनाया बस वो सिलेक्ट करोगे तो सारे लोड उस पर अपने आप लग जाएंगे। तो आई होप दिस वॉज समथिंग न्यू जो आप लोगों को नहीं पता थी। बिल्कुल सर। अब ये तो मेन गर्डर्स हो गए, बट क्रॉस बीम्स भी होते हैं। अब क्रॉस बीम्स का एक और फंड है कि कभी कभी क्रॉस बीम्स सिर्फ गर्डर की सेंटर लाइन तक ही होते हैं, जैसे मान लो ये G1 G2 G3 है, तो क्रॉस बीम यहाँ से यहीं पर एक्सटेंड कर रहे हैं, बट काफी टाइम ऐसा भी होता है कि क्रॉस बीम इसके बाहर भी जाते हैं। तो दिल्ली में तो काफी टाइप, मतलब हर टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं, कुछ तो ऐसे भी स्ट्रक्चर्स हैं कि क्रॉस बीम गर्डर पे रेस्ट नहीं हो रहा है, इनफैक्ट गर्डर क्रॉस बीम पे रेस्ट हो रहा है और बेरिंग्स क्रॉस बीम के नीचे रखी है। तो इस वाले का कंटेंट भी शूट किया हुआ है, लेकिन वो उसमें ट्रैफिक इतना ज्यादा चलता है कि आवाज क्लियर नहीं आती है, उसको किसी जब लॉकडाउन या थर्ड वेव आएगी तब फिर से करना पड़ेगा या कुछ और जुगाड़ करने पड़ेगा, तो ही उसमें आवाज क्लियर रहेगी। उसमें आप देखोगे कि सुपर स्ट्रक्चर कंटिन्यूस है, अभी जो कंटिन्यूस वाला एपिसोड डाला था वो तो ट्रांसवर्सली, वो तो इस डायरेक्शन में कंटिन्यूस था डेक और क्रॉस बीम्स का, बट उस केस में सुपर स्ट्रक्चर कंटिन्यूस है और कंटिन्यूस किया है उसको यहाँ पे
क्रॉस बीम के नीचे बेरिंग्स रख के, ना कि गर्डर्स के नीचे. सो देर आर ऑल कैटेगरीज ऑफ स्ट्रक्चर्स, बट जो आप एनालाइज मतलब जो आप बनाना चाहते हो उसी को मॉडल करो और उसी को एनालाइज करो. और एक्चुअली ऐसा ही होता है, बट काफी चेंजेस ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन भी होती हैं कि कुछ इश्यू आ गया या कुछ ऐसी चीजें हो गई. और अभी आजकल क्योंकि मैं थोड़े रेलवे के ब्रिजेस कर रहा हूँ तो उसमें क्रॉस बीम्स नॉर्मली गर्डर के बाहर भी जाते हैं क्योंकि वो जैकिंग बाहर वाली साइड से करते हैं. तो ये सारी चीजें डिपेंडेंट अपॉन द फंक्शनैलिटी ऑफ योर स्ट्रक्चर, उस पर डिपेंड होती है. और किसी भी टाइप का स्ट्रक्चर, नो मैटर हाउ कॉम्प्लेक्स इट इज, वो अपने एलिमेंट्स मतलब बेसिक एलिमेंट्स से ही डिजाइन हो जाता है. और ऐसा ही होता है. तो एनीवेज अभी हमने ये लॉन्गिट्यूडनल वाला तो बना लिया ग्रुप. नाउ वी विल फोकस ऑन क्रॉस बीम्स. इस केस में क्योंकि कर्व रहने वाला है ये, और अभी इसको मैं फिर से हाईलाइट कर देता हूँ, तो ये वाले जो पोर्शन है एंड क्रॉस बीम तो हमेशा होते ही है जैसे हमने हमेशा डिस्कस किया. तो इन दोनों को ये जो अभी मैंने हाईलाइट किया एंड मिडल में, दिस वॉज 18 मीटर्स, तो 9 मीटर्स पे भी एक होगा, ये वाला 9 मीटर्स वाला बैंड है. ठीक है, तो यहाँ पे भी लेट मी सिलेक्ट, मतलब ये जो वर्टिकल लाइंस, या अगर आप यहाँ नीचे देखोगे जो जेड डायरेक्शन में, वाई जेड डायरेक्शन में लाइंस हैं, ये क्रॉस बीम्स हैं, एंड वाले क्रॉस बीम्स हैं और इंटरमीडिएट क्रॉस बीम है. अब एक शॉर्टकट की होती है ऑल्ट वी बी, जैसे ही मैं वो करता हूँ तो जो चीजें हाईलाइटेड है बस वही रहती है स्क्रीन पे. अब इन सबको मैं डिलीट कर देता हूँ, उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है. तो ये जो एंड वाले हैं इनको भी अब हम प्रॉपर्टी देंगे क्योंकि ये एंड क्रॉस बीम सिमेट्रिकल है. आप इनको सेम प्रॉपर्टी दे सकते हो, मतलब सॉरी सेम ग्रुप इनका बना सकते हो जिसको आप एंड क्रॉस बीम एंड एंड क्रॉस बीम करके, या कुछ भी निमोनिक आप दे सकते हो एंड इसको भी एसोसिएट कर सकते हो. और जैसे ही मैं इसको एसोसिएट करता हूँ तो आप देखोगे ये नंबर्स नीचे आ जाते हैं, वो इनके बीम नंबर्स होते हैं. सो एंड क्रॉस बीम भी आपका हो गया है. नाउ यू आर लेफ्ट विद इंटरमीडिएट क्रॉस बीम. इसकी प्रॉपर्टी अलग इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि दो इसके रीजन हैं. एक तो ये इंटरमीडिएट है और इसकी जब आप देखोगे ड्राइंग्स में जो मैं आपको कल शेयर करूंगा उसमें इसकी विड्थ हमेशा एंड वाले से कम होती है. एंड वाला थोड़ा ज्यादा थिक होता है और इंटरमीडिएट वाले हमेशा एंड वाले की विड्थ से एटलीस्ट 100 mm, या मतलब दे आर लेस देन द टोटल विड्थ ऑफ द आउटर एंड गर्डर्स, बिकॉज आई टोल्ड यू कि एंड वाले क्रॉस बीम्स पे जैकिंग होती है. दे हैव टू बी लिफ्टेड, तो वी हैव टू मेक श्योर कि वो उस टाइम पे अपनी स्टिफनेस से ही सारी चीजें इजीली टेकअप कर लें. बस यही एक रीजन है. और क्रॉस बीम प्रोवाइड करने के असली रीजन मैंने आपको बताए थे, डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट सबसे बड़ा रीजन है. दूसरा रीजन डेफिनेटली लेटरल स्टेबिलिटी ड्यू टू लेटरल फोर्सेस. हालांकि सुपरस्ट्रक्चर पे लेटरल फोर्सेस का इतना इम्पैक्ट नहीं आता है क्योंकि सुपरस्ट्रक्चर अपने आप में बहुत हैवी होता है और उस पर विंड लगेगी और वो हिलेगा ऐसा नहीं होगा कभी भी. सीज्मिक फोर्स लगेगा तो सबस्ट्रक्चर हिलेगा, सबस्ट्रक्चर हिलेगा तो वो रिलेटिव मोमेंट बेरिंग्स के थ्रू ऊपर ट्रांसफर हो जाती है. बट विंड के कारण आपका कोई भी सुपरस्ट्रक्चर बहुत रेयरली, मतलब सुपरस्ट्रक्चर के डिजाइन में लेटरल फोर्सेस का रोल बहुत कम रहता है. बट व्हेन यू विल डिजाइन सबस्ट्रक्चर फॉर दीज थिंग्स, तो सबस्ट्रक्चर में एक्चुअली इतने ज्यादा लोड्स लगते हैं अलग अलग तरीके के कि सुपरस्ट्रक्चर पे विंड लोड का इफेक्ट सबस्ट्रक्चर में आता है, सबस्ट्रक्चर की डिजाइन में आता है. और जितना बड़ा सुपरस्ट्रक्चर होगा उतने ज्यादा विंड फोर्सेस जनरेट होंगे. तो आईआरसी के एक एक क्लॉज जो है आईआरसी 6 के, अगर आप विंड का पढ़ोगे तो वो विंड का ही पढ़ते रहोगे, उसमें सारी चीजें दे रखी है. अगर आप अर्थ प्रेशर का पढ़ोगे तो अर्थ प्रेशर के ही पढ़ते रहोगे. तो काफी डिटेल चीजें हमें खुद ही पता हो जाती है जैसे जैसे हम आगे आगे प्रोसीड करते हैं काम में. बट सबका बेसिक्स वही है जो आपने बीटेक में पढ़ा हुआ है या जो आप अभी भी पढ़ रहे हो, उसको कोरिलेट करके अगर आप अब दोबारा अपनी बुक्स पढ़ोगे ना तो आपको ज्यादा समझ आएगा. उस टाइम तो बस ये था कि मतलब जस्ट अ नाइट बिफोर द एग्जाम्स वी यूज्ड टू स्टडी, गिव एग्जाम्स, आगे तो आ गए नहीं तो अगले सेमेस्टर क्लियर करते, ऐसे ही चलता था. तो एनीवेज हमने काफी ग्रुप्स बना लिए हैं.
एंड क्रॉस बीम के, और ये बीच वाला रह गया, इसको भी बना देते हैं जल्दी से। तो मैं आपको ये बता रहा था कि इसको मैं अलग प्रॉपर्टी इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इसकी विड्थ एंड वाले से अलग होती है। तो बस अब आप फिर से देखोगे, जैसे मैं ऑल्ट एस जी करता हूँ तो ये जी टू हो जाता है, ये एंड वाला हो जाता है और ये इनर वाला हो जाता है। तो ऐसे करके ग्रुप्स बनाना बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। अब जो मेन रोल है वो है ऑफसेट्स का, तो पहले मैं ये आउटर गर्डर्स सिलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मुझे ऑफसेट काटने में या ऑफसेट अलॉट करने में इजी हो जाएगा इससे। अब देखो हमारी प्रोफाइल कर्व की रहने वाली है कुछ इस तरह से। देखो 100 का रेडियस बहुत बड़ा रेडियस होता है और 20 मीटर के स्पैन पे, तो मतलब 18 मीटर के स्पैन पे तो वो एक हल्की सी लाइन ही दिखेगी क्योंकि 0.9 मुझे वहां चाहिए जहां मैक्सिमम रेडियस आ रहा हो, मैक्सिमम कर्व आ रहा हो। अभी मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, इसको मैंने काफी छोटा कर लिया है। आपने हाईवे इंजीनियरिंग में पढ़ा होगा, या मतलब एक जनरल सा प्रसेप्शन है, अगर आपके सुपर स्ट्रक्चर में या किसी भी स्ट्रक्चर में कर्व इंट्रोड्यूस होता है तो वो ऐसे ही नहीं हो जाएगा, इसके बाद सीधा है सब कुछ। ये ट्रांजिशन, तीन चार फेजेस होती है, पहले ट्रांजिशन फेज आता है, फिर कर्व आता है, फिर ट्रांजिशन फेज आता है, और कभी कभी दो ट्रांजिशन फेज आते हैं। तो बहुत ही ग्रेजुअली कर्व इंट्रोड्यूस होता है अगर होता भी है तो। सो वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि 100 मीटर्स का कर्व, 100 मीटर्स रेडियस का कर्व ऑलमोस्ट आप कह सकते हो, अगर आपके पास ऑटोकैड का प्लान है और उसको बहुत ही छोटा जूम इन करोगे तो आपको वो दिखेगा, बट अगर आप उसको थोड़े अच्छे स्केल पे बनाओगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये कर्व है। तो ये सारी चीजें विजुअलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जैसे मैं पहले ना ये वाली लाइन ऐसे खींचने वाला था, बट फिर मुझे रियलाइज हुआ कि इतना ही मुझे यहाँ पे भी खींचना है, तो ये कर्व तो उसके अंदर ही आ जाएगा इस वाले के, ऐसा होगा थोड़ा ना कभी। तो इसीलिए मैंने ये चीज डिस्कस की कि बहुत ही ट्रांजिशन फेस के थ्रू ये सारी चीजें होती है, तो मैक्सिमम आपका कर्व ऐसे होगा और यहाँ से यहाँ वाला ऑफसेट ज्यादा होगा और ये ऐसा कुछ होगा। अब हमें ये जो बाहर का पोर्शन है इसको ट्रिम करना है, बट आज जैसे ग्रुप्स बनाना सीखा वैसे ही कल हम पहले स्टार्ट करेंगे रीनंबरिंग से, या फिर रीनंबरिंग अभी ही कर सकते हैं। रीनंबरिंग से क्या बेनिफिट होता है, जैसे अभी आप देखोगे ये सारे, चलो पहले जो हमने हाईलाइट किया वही सारी चीजें देखते हैं। तो इफ यू विल सी यहाँ पे नंबर्स, ऑल्दो एक एक पर्टिकुलर वे में इंक्रीज कर रहे हैं, ये इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने स्ट्रक्चर विजर्ड से बनाया है। अगर आप ट्रांसलेशन रिपीट ये सब लगाओगे तो नंबर्स बहुत रैंडम होते हैं, ये आपको पता ही है। हाँ बिल्कुल सर। तो इन सारी चीजों को ना, इस सारी चीज को हम 1000 से, जो भी 1018 या 1020 जो आएगा, मतलब यहाँ से 1000 स्टार्ट करेंगे तो हमें पता रहेगा कि 1000 से 1020 तक G1 है, वैसे इसको हम रीनंबर कर देंगे 2000 से तो हमें पता रहेगा कि 2000 वाले जो भी रिजल्ट्स आएंगे वो इनर गर्डर्स के लिए आएंगे। तो नंबरिंग करने से भी आपको बेनिफिट मिलता है, जब आप प्रॉपर्टीज असाइन करोगे आपको पता रहेगा कि 2002 नंबर जो है वो टेपर्ड जोन का है, तो टेपर्ड जोन वाले को ही सिलेक्ट कर दोगे, क्योंकि जब आप प्रॉपर्टीज देते हो या कुछ भी लोड असाइन करते हो, लेट से अभी मैं रैंडम सा कुछ भी दे देता हूँ, लेट से इसको मैं 0.1 कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ तो आपको सिलेक्ट करना पड़ता है या आपको यहाँ लिस्ट करना पड़ता है। तो अगर आपको पता है कि 2002, 1002 और 3002 ये टेपर्ड जोन है तो आप सीधा यहाँ एंटर करोगे, आपकी प्रॉपर्टी असाइन हो जाएगी। तो रीनंबरिंग का ये बेनिफिट है। सेम वे आप नोड्स को भी रीनंबर कर सकते हो, बट जनरली मैं गर्डर्स को ही रीनंबर करता हूँ क्योंकि मुझे लोड्स और प्रॉपर्टीज वहीं लगानी होती है। सपोर्ट कंडीशन, जो सपोर्ट हम बेरिंग मॉडल करेंगे वो आपको पता ही है, दोनों हम नॉर्मली पेंट सपोर्ट कर देते हैं, उससे एनालिसिस में सुपर स्ट्रक्चर डिजाइन में फर्क नहीं पड़ता है, बट अगर आप सब स्ट्रक्चर डिजाइन करोगे तो आपको एक्चुअल में जो आप बेरिंग्स अडॉप्ट कर रहे हो वो देने चाहिए। ओके।
तो उस पे हम करेंगे कल बात डिस्कस। और रीनंबरिंग कैसे करते हैं, आपने पहले की है रीनंबरिंग? नहीं सर, डीरमिंग नहीं किया है, इसमें मुझे बहुत डिफिकल्टी होता है। तो रीनंबरिंग में भी कुछ नहीं करना है, जैसे आपने हमने अभी मेन गर्डर्स को ही रीनंबर करना है और क्रॉस बीम्स को ज्यादा से ज्यादा रीनंबर कर सकते हैं, इससे ज्यादा तो हम क्या ही रीनंबर करेंगे। तो वही सारी चीज जैसे G1, G2, G3 इन सबको मैं खोल देता हूँ। एंड लेट्स से अभी मैं सिर्फ फर्स्ट वाले को रीनंबर कर रहा हूँ, दिस दिस वन, इसको मैंने पहले सेलेक्ट करना है। और यहाँ सेलेक्ट या ज्योमेट्री में रीनंबर का ऑप्शन आएगा, जैसे यहाँ रीनंबर का ऑप्शन आ रहा है और वो पूछता है कि आपके नोड्स हैं कि मेंबर्स हैं, क्योंकि हमारे मेंबर्स हैं ये बीम्स हैं तो हम इसको रीनंबर करते हैं। और ये सारी चीजें अब चेंज होंगी। नाउ इट आस्क्स यू कि क्या आपको किस नंबर से करना है। अब कभी भी हम वन से स्टार्ट नहीं करते, क्यों नहीं करते, क्योंकि वन बीम ऑलरेडी कहीं बना हुआ होगा, अगर हम उसको वन से भी स्टार्ट करेंगे तो वो ओवरलैप या मतलब उसमें एरर आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो हमेशा हम ये कोशिश करते हैं कि जो लास्ट बीम नंबर है, लेट से आपके 1000 बीम बन गए ऑलरेडी, 1000 के आगे बीम ही नहीं है, मैक्सिमम आपके 1000 बीम्स बन गए हैं, तो आप 1001 से स्टार्ट कर सकते हो, वो कभी ओवरलैप नहीं होगा। इसलिए हमारे मॉडल्स में हजार हजार तो नहीं बनते हैं, बट ऑन अ सेफर साइड आप इसको अगर ये नंबर देते हो तो आप ये नंबर याद रखना, बाकी सारी सीरीज ऐसे चलेगी। तो नॉर्मली अगर हम 1001 नंबर दे देते हैं और इसमें वो पूछता है कि कैसे हम वो मतलब ये स्टैट कैसे उसको वेरीफाई करेगा या कैसे उसको अलॉट करेगा, तो आप देखो नीचे एक्स कोऑर्डिनेट है, अगर आपको इंक्रीजिंग एक्स कोऑर्डिनेट में ही देना है तो आप इसको यहाँ राइट साइड शिफ्ट कर दो, अपने आप वो सेट हो जाएगा। जैसे मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ, ये सबके नंबर्स 1001 से 1018 हो जाएंगे। ओके सर। इससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, जो मैंने आपको बताया है कि प्रॉपर्टीज देने में, मान लो आपका नहीं कहीं रिजल्ट आ गया और आपको पता है कि 1008 के BMD या MZDA वैल्यू आ रही है तो वो सेंटर के आसपास होगा, तो वो विजुअलाइज करना विदाउट रेफरिंग टू दिस यूजर इंटरफेस बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। और सिमिलरली अब अगर हम सेकंड वाले को करते हैं तो पहले इसको सिलेक्ट करेंगे। अब क्योंकि आपने 1000 वाली रेंज स्टार्ट कर दी है, 1018 के आगे 1019 आना चाहिए, बट आप और डिफरेंशिएट करना चाहते हो तो आप 2001 दे दो बीच वाले को, तो बहुत क्लियर हो जाएगा, आपको कंफ्यूजन का कुछ मतलब रहेगा ही नहीं इसमें। सो दिस इज अनदर थिंग, मॉडलिंग अपने आप में बहुत मतलब बहुत ही डिटेल चीज है। द मोर प्रॉपरली एंड द मोर इजी थिंग्स यू मॉडल, वो आपके लिए ही बेनिफिशियल है। इनफैक्ट कोई भी आपका स्टैट मॉडल जब रिव्यू करता है प्रूफ चेकिंग के टाइम पे, उसके लिए भी कम टाइम में जल्दी चीजें रिव्यू हो जाती हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। इसलिए काफी लोग अपने डिजाइन रिपोर्ट्स में ये मेंशन भी करते हैं कि बीम नंबर वन के जो मेंबर साइजेस हैं वो इस नंबर तक ही है, ताकि आगे जब रिपोर्ट में कोई रिव्यू कर रहा हो उसे पता चले तो उसको ये ध्यान में हो कि ये तो बीम वन की बात चल रही है। तो इसको आप 2001 कर दो, और असेंडिंग या डिसेंडिंग भी आप कर सकते हो, बट असेंडिंग करो क्योंकि ऊपर वाले असेंडिंग ही हो रहे हैं, तो ये भी देखो 2000 वाली रेंज में स्टार्ट हो जाएंगे। और ये सेम चीज जब मैं कलवर्ट्स या बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर्स करता हूँ उनमें भी करता हूँ, टॉप वालों को एक नंबर दे देता हूँ क्योंकि उससे मुझे सपोर्ट डेफिनेशन देने में, BMDs एक्सट्रैक्ट करने में काफी हेल्प मिलती है। और काफी लोग जो नहीं करते हैं वो फिर जूम या कंट्रोल दबा दबा के BMD रीड कर करके वही चीज करते रहते सर, हैं, हम भी वैसे ही करते और थे। तो ऐसे ही होता है ना, मुझे पता है ना, बिकॉज आई हैव बीन थ्रू ऑल दी स्टेजेस, तो मुझे पता है क्या चीज करके हम टाइम बचा सकते हैं, इसी के आपको बाद में पैसे मिलते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इट्स नॉट अबाउट व्हाट यू कैन डू जो आपको पैसा देता है, इट्स अबाउट व्हाट यू कैन डू इन लेसर टाइम जो आपकी इनकम या सैलरी बढ़ाते हैं विद टाइम। तो ये सारी बेसिक चीजें हैं। अब आप जब देखोगे कि एक्सेल से मैं कैसे इसको रिलेट करूंगा, प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज सब कुछ अपने आप लग जाएगा, बस मुझे एक बार वो बनाना है एक्सेल में और आपके साथ ही बनेगा वो सारा कुछ। तो यू विल सी कि आपको कुछ अलॉट कुछ सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, जब आपके ए नंबर होंगे, ग्रुप्स बने होंगे, तो सारी चीजें ऑटोमेटिकली आपको एडिटर में बस पेस्ट करनी है और आपकी प्रॉपर्टीज अपने आप असाइन हो जाएंगी, इनफैक्ट आपके नोट्स तक अपने आप लग जाएंगे। ओके सर। तो फास्ट ये अभी क्योंकि हम कोर्स कर रहे हैं तो डिटेल में चीजें चल रही हैं, बट जब हम खुद बनाएंगे इसी को फॉलो करते हुए, आई डोंट थिंक 1 घंटे से ज्यादा आपको पूरे मॉडल को बनाने में लगेगा, और इनफैक्ट एनालिसिस करने में भी आपको मैक्सिमम 2 घंटे लगेंगे मैक्सिमम, आफ्टर डिफाइनिंग ऑल लोड्स, ऑल लाइव लोड मूवमेंट्स, बट टाइम लगेगा डिजाइन करने में। तो
क्योंकि हम फर्स्ट टाइम करेंगे उस चीज को। ओके सर, तो बस अब थर्ड वाला रह गया, इसको थर्ड वाले को भी हम रीनंबर कर देते हैं। तो अब आप आराम से देखो ये सारे रीनंबर हो गए हैं। क्रॉस बीम्स को अगर आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, और इसमें हम अब एक्स को असेंड कर रहे थे, इसमें हम वाई को कर देंगे, तो उससे भी काफी चीजें सही हो जाएंगी। और एंड क्रॉस बीम्स हैं, तो लेट मी सिलेक्ट बोथ द एंड क्रॉस बीम्स। तो अब आप देखो यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट से करोगे तो ये वाला जो है, मतलब अगर आप एक्स से करोगे तो पहले ये होगा फिर ये होगा फिर ये होगा फिर ये होगा। तो नॉर्मली प्रेफर ये करना चाहिए कि एक लाइन में सीरियल चलता रहे। तो आप जेड कोऑर्डिनेट से करो इसको, और 3000 वाला आप ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हो तो कीप इट 4000, ताकि बहुत ही ज्यादा आपको क्लैरिटी रहे कि क्या चल रहा है। तो आप देखो 4001 2 3 4 5 6 7 8 ये सब आ गया। ओके, अब बीच वाले को अगर आपने करना है तो सेम वही प्रोसीजर। और वो जो मैं मैक्रो वाली आपको बात बता रहा था उसमें ये ऑलरेडी अलाइंड होते हैं ये सारे नंबर्स। ओके, तो वो सारी शीट्स लॉक करके रखते हैं लोग, क्योंकि उन्होंने एटलीस्ट 2-3 महीने लगा के वो सारा सिस्टम बनाया होता है, कि 2-3 महीने उन्होंने अपना टाइम इन्वेस्ट किया है, उसके बाद वो एक एक सेकेंड में पूरी पूरी रिलेज मॉडल कर देते हैं। तो काफी कुछ है एक्चुअली अभी सीखने को। तो ये आपका सारे मेन बीम्स जो हैं वो सारे आपके इस तरह से डिफाइन हो गए। तो आज हम इसको यहीं टर्मिनेट करते हैं।